सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं पावना डैम और सामने आप देख सकते हो हाजी मलंगा पहाड़, क्या पता कितना दिख रहा होगा इसमें। सो आज हम लोग चला रहे हैं ये क्लासिक 350 डेजर्ट स्टॉर्म कलर वाला जो है ये, बट सैडली दिस इज़ BS6 ओल्ड वाला इंजन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जे प्लेटफॉर्म वाला मिलेगा, बट ठीक है, चलता है। ये वाला भी इंजन फन है चलाने में, बस थोड़ा वाइब्रेशन है, वो अपन कर लेंगे हैंडल। फर्स्ट इम्प्रेशंस मैं इस गाड़ी को चलाने के बाद यही बोल सकता हूँ कि आप इसको चलाते हो तो आपको फील होता है कि आप कुछ ओल्ड चला रहे हो, लाइक शिटी गेयर बॉक्स। क्लच फिर भी ठीक है, इतना मुझे इतना हैवी नहीं लग रहा है। अब शायद ट्रैफिक में वो समझ में आएगा कितना हार्ड है। गेयर बॉक्स इज सुपर शेट और स्टार्ट होने के टाइम पे गाड़ी भी अच्छे से नहीं होती चालू, जबकि ये BS6 है, FI इंजन है, मतलब है, लेकिन फिर भी चालू होने के टाइम पे उसको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ता है। और एक खासियत है इसकी, ये सेकंड गियर पे उड़ जाती है स्पीड ब्रेकर से भी उड़ जाती है सेकंड गियर से, सो वो चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है कि हाँ भाई टेंशन नहीं है गियर डाउन करने का बार बार। मिरर्स मैं बोल सकता हूँ कि एक स्पीड पे आने के बाद एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, इतना नहीं हिलते हैं। हाँ बट मतलब एकदम क्लियर नहीं समझते कि पीछे कौन सी गाड़ी है, इतना समझ रहा है कार है रिक्शा है, बट क्लियर नहीं है। सो ये एक पॉइंट। बाकी कंफर्ट तो काफ़ी अच्छा है, इसका झटके वटके तो भाई मुझे तो नहीं फील हो रहे हैं क्योंकि मैं जिक्सर से शिफ्ट हुआ हूँ इस पर अभी। एक इसमें टेंशन है कि ABS नहीं है, सो मैं बहुत दिनों के बाद नॉन ABS बाइक चला रहा हूँ, सो मुझे थोड़ा आराम से चलाना है इसको क्योंकि भाई सब अपने हाथ में। इधर फर्स्ट से सेकंड गियर भी इसका फॉल्स न्यूट्रल फंसता है बार बार, प्रॉबेबली बिकॉज ओनर ने चेन वगैरह उतना नहीं मेंटेन किया है, बट ठीक है यार, चलाने से मतलब है। 22,000 चल चुकी है BS6 गाड़ी, और क्या चाहिए। बाय द वे ये डोमिनार भी 24,000 चल चुकी है। इसके ऊपर भी एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाने का सोच रहा हूँ मैं, ओनर से ही बात करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा उसका खर्चा वर्चा है, उस पर भी एक बना देंगे। सो फिर से आते हैं गाड़ी पे। नॉट गोना लाई, यार ब्रेक्स अच्छे हैं, मतलब गाड़ी का जो वेट है और गाड़ी का जो छोटा सा वो डिस्क है उस हिसाब से ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ नॉट बैड। मेरे जिक्सर से काफ़ी अच्छा बाइट है इसका, जो इतने पे ही मतलब एक्टिवेट हो जा रहा है वो, तो अच्छा है, ब्रेक्स अच्छा है, कॉन्फिडेंस देता है थोड़ा। पीछे का भी अच्छा है ब्रेक्स, ऐसा कोई बुरा नहीं है, लेकिन पीछे का बहुत मुशी हो गया वो, अगेन मेंटेनेंस का ये सब मेंटेनेंस पे जाता है, ये बाइक की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अभी देख सकते हो हम लोग 60 पे आ रहे हैं, फिफ्थ गियर डाल दिया है मैंने, 60 कंफर्टेबल है एकदम, ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल। ये ब्रेक अभी आए हाय, रुकती है डोमिनर के हिसाब से रुकती है। सेकेंड गियर पे उठाने की कोशिश, टक 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 टक, मास्ट उठती है ट्रैक्टर की तरह एकदम। पावर चेंज 40 पे, आप थर्ड गियर डाल दो, 40 पे थर्ड गियर, आराम से चलती एकदम। देखा अच्छे हैं ब्रेक्स, नॉट बैड। फर्स्ट गियर पे उठाने की मेरे को आदत हो गई है इसको अभी। एक और चीज़ मैंने देखा, बहुत ज़्यादा टॉर्क है इंजन में, जैसे ही आप गियर डाल के थ्रॉटल देते हो सब भागने लगती है आगे, आगे पुश करती है गाड़ी खुद को, बट वही है वो पुश थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता है, भागना बंद कर देती है। फिलहाल अपने को तो 60-70 करना है आज पूरा दिन, तो टेंशन नहीं है, ये बाइक अपना काम कर देगी आराम से। भाई लोग 60-70 करते हुए लद्दाख पहुंच जाते हैं, इस पर तो हम 200-250 किलोमीटर तो पहुंच ही जाएंगे। सो आज के लोकेशन के बारे में बात करते हैं, पावना डैम की तरफ हम जा रहे हैं, लेक की तरफ नहीं जा रहे हैं, हर इंसान लेक की तरफ जा रहा है, हमने सोचा यार थोड़ा डैम की तरफ जाते हैं। सो अभी हम लोग JNPT हाईवे पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग इसकी क्रूज स्पीड का अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो इसका जो पांचवा गियर है, मैंने पांचवा गियर डाल दिया है, ये आपको 50 के बाद से ये खींच सकता है मतलब, और धीरे धीरे खींचना शुरू करता है एकदम पांचवे गियर पे। पांचवे गियर पे आप हो, 60 पे आ गए हो, 60 पे ठीक है, हैंड वाइब्रेशंस ठीक ठाक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। अब 65 करते हैं, 65 पे यहाँ पे हल्का हल्का आ रहा है,
65 के ऊपर जा रही है गाड़ी, 70 पे आपको एक बस आना शुरू हो गया अच्छा वाला, 75 बस बढ़ रहा है, 80 बस बहुत ख़तरनाक बढ़ रहा है। ओ भाई नहीं भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो मेरे ख्याल से 70 इज़ द बेस्ट स्पीड भाई इस गाड़ी के लिए। जीसस ब्रो, ऐसे कैसे चला रहा है बंदा लेफ्ट से ओवरटेक। सो क्रूज स्पीड के बारे में मैं यही बोलूँगा, 70 पे चलाओ, माइलेज भी अच्छा देगी और वाइब्रेशंस भी कम रहेंगे अच्छे खासे। पांचवा गियर इसका 70 पे मस्त चलता है, 70 के ऊपर मत जाओ भाई, क्योंकि आप इनडायरेक्टली गाड़ी को ख़राब कर रहे हो और अपने आप को भी थका रहे हो वाइब्रेशंस से। सो इट्स नॉट वर्थ इट। यहाँ पे आराम से भी 70 पे चलाएंगे, जितना हो सके लेफ्ट ले लेंगे ताकि बाकी लोग भाई जिनकी क्रूज स्पीड ज़्यादा है वो जा पाएँ। भाई स्टेबिलिटी तो भाई बहुत अच्छी है इसकी, 70 पे एकदम दब के चलती है गाड़ी, एकदम चिपक के चलती है। इवन 80 पे भी मुझे स्टेबिलिटी का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार अभी सामने स्पीड ब्रेकर आएगा तब हम लोग फर्स्ट से लेके इसका फिफ्थ गियर भी देख लेते हैं कैसा है, क्या स्मूथनेस है, वाह क्या वेदर है। एक चीज़ मैंने देखी कि इसका ये सब इंडिकेटर्स वगैरह इतने गलत एंगल पर लगा हुआ है ना, कि आपको न्यूट्रल और इंडिकेटर चालू है कि नहीं कुछ समझ में ही नहीं आएगा यार इसमें तो। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट गियर पे आ गए हैं, फर्स्ट गियर से अब निकल रहे हैं धीरे धीरे। 20 तक आराम से गई स्मूथली, 30-35 सेकंड गियर, थर्ड गियर डालने के बाद 40-45-50 स्मूथली 55 तक गई। फोर्थ गियर डाल दिया है, 60 पहुंच गई आराम से, 65 पे वाइब्रेशंस। पांचवा गियर डाल दिया, मक्खन हो गई, स्मूथ हो गई, मतलब ठीक ठाक स्मूथ है। 65-70 पे चल रही है मस्त। हाँ इसका लास्ट गियर का तो अपने को पता ही है कि भाई 75 के बाद बहुत वाइब्रेशन है, 75 पे अभी हम लोग हैं। मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा देर तक 75 पे चलाना पसंद करूँगा इसको, आई थिंक 70 इज़ द बेटर स्पीड। तो भाई अब यहाँ पे आ ही गए तो थोड़ा हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। तो भाई हैंडलिंग पर्सपेक्टिव में मैं बोलूँ तो गाड़ी अच्छी है, होती है हैंडल सही मेरे ख्याल से। इसको यहाँ पे आराम से ही चलाओ तो अच्छा है, जैसे ये वाला अभी है हम लोग आराम से ले रहे हैं इसको अंदर। सो इन शॉर्ट मतलब आराम से वाली गाड़ी है, इसको अग्रेसिव चला के रिस्क लेना इज़ नॉट वर्थ इट। यहाँ पे एक बहुत ही तीखा टर्न है ये, तो यहाँ पे देख के टर्न मारना पड़ेगा। अरे दोस्त पहली बार आया क्या ड्यूक पे, इतना आराम से चलाएगा तो कैसे होएगा रे बाबा। सो इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है, चढ़ती जाती है धीरे धीरे, बट स्पीड नहीं बढ़ती, एक लिमिट के बाद इसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है, चढ़ती रहेगी लेकिन ये अच्छा है। आगे देख के चढ़ना चाहिए कभी भी ये सब घाट्स, मस्त कड़कड़ चढ़ती है। ट्रैक्टर इंजन है भाई, टेंशन ही नहीं। सेकंड गियर, सेकंड पे चढ़ रही है आराम से। हाँ इसकी गियरिंग बहुत टॉल है, सेकंड ही इतना लंबा है। थर्ड भाई पूरा का पूरा गाड़ी पलट गया उसके अंदर, उसमें से लोग बाहर कैसे निकले होंगे मैं वो सोच रहा हूँ अभी। हो गई अपनी पावना की राइड आज कंप्लीट, काफ़ी सही लोकेशन था, अगर मैं कोशिश करूँगा अगर मैं को मिला वो लोकेशन का स्पॉट तो मैं शेयर करूँगा। थोड़ा ऑफ रोडिंग है करना पड़ेगा लेकिन, तो ही आप वहाँ तक पहुँचोगे, मैं इसका लेकिन शेयर ज़रूर करूँगा। और अभी ऑफ रोड चल रहा है इसमें सेशन मस्त, मानना पड़ेगा यार सस्पेंशन अच्छे हैं इसके, फिर भी ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छा सोक कर रहे हैं। बट एमटी के भी अच्छे थे, मैं आते वक्त एमटी चला रहा था क्योंकि उसके भी मस्त है। ये सही है इसका कि लो एंड टॉर्क अच्छा है, तो आप सेकंड गियर डाल के धीरे धीरे टक 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 करके 30-40 के स्पीड में आप चला सकते हो, ये बहुत सही है इसका। देख रहे हो ट्रैक्टर की तरह चलती जाती है, टक 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 टक। अरे बारिश तो बंद ही हो गई, हम लोगों को लगा अभी थोड़ा देर बारिश रहेगा इधर। ओके सो इतना भी खास नहीं है सस्पेंशन जितना लग रहा था,
जब तक सॉफ्ट रास्ते थे तब तक ठीक था, अब थोड़े मिट्टी मिट्टी पत्थर पत्थर ज़्यादा हो गए तो ये हो गया। ब्यूटीफुल सनसेट, एक बार कैमरा लेंस फिर से साफ कर लेता हूँ जस्ट इन केस। ओ यस, एक अच्छी बारिश के बाद यही तो देखने का मज़ा है भाई। ये हम लोग अभी गांव के रोड्स में आराम से 60 पे चला रहे हैं, 60, 65, 70 जैसा रोड कंडीशन हो उसके हिसाब से, क्योंकि कैसा है ओके, काफ़ी सॉफ्टली स्प्रंग है इसका सस्पेंशन पीछे का, शायद उसकी वजह से ना काफ़ी गाड़ी ऊपर नीचे होती है। माइलेज अराउंड मुझे लगता है इसका 35 के आसपास मिल रहा है, ठीक है कंसिडरिंग इट्स एन ओल्ड इंजन, 35 का माइलेज इज़ नॉट एन इशू। फ्रंट ब्रेक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, रियर ब्रेक आप थोड़ा ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, मतलब ऑफ कोर्स यूज़ कर, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन इट। यहाँ पे अभी ऐसे रोड्स पे टर्न करने को और डर लग रहा है। तो आज पूरा दिन गाड़ी में चला चुका हूँ, अराउंड 150 किलोमीटर्स होने आ गया अभी, और इतना चलाने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझी है कि ये गाड़ी उसी को लेनी चाहिए जिसको सिर्फ ये गाड़ी पसंद है, जिसको ये गाड़ी पसंद है ना उसी को चलानी चाहिए, बिकॉज अगर आप सेकेंड हैंड में भी लेने जाओगे तो ये सपोज 1 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। यार 1 लाख में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है पता है मार्केट में, सोच भी नहीं सकते हो कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा आपको, डोमिनार 400 2018 मॉडल ले सकते हो, जो कि इससे थोड़ा एटलीस्ट यार लेटेस्ट थोड़ा उसका इंजन है, गेयर बॉक्स अच्छा है, इसके जैसा नहीं है, पीस ऑफ माइंड उसमें ज़्यादा रहेगा यार। अभी हम लोग लेक पे अराउंड 2 आवर्स के लिए थे और वहाँ पे इसका इंजन ठंडा हो गया, तो जबकि एक फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है फिर भी इसको चालू होने को 2 या 3 अटेम्प्ट लगा, तो आप समझ रहे हो ना, मतलब यार पता नहीं लोग इसको कैसे लेकर जाते हैं ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिटी से 200-300 किलोमीटर्स के लिए रिस्क लूँगा इसका, इसको लेके जाने का। बाकी यार जिसको गाड़ी पसंद है, जिसको मतलब रॉयल एनफील्ड क्लासिक का ही शौक़ है, जिसको वो ठक 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 पुराना वाला ही चाहिए, तो उनके लिए तो भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको सेकेंड हैंड में यही लेनी पड़ेगी। बट अगर आपका नया लेने का बजट है तो आप जे सीरीज़ इंजन जो होते हैं जो नए क्लासिक 350 में है यार, प्लीज़ उसको लीजिए, क्योंकि ये बहुत मतलब मैकेनिकली बहुत ओल्ड है यार ये इंजन, 22,000 चली है ऑलरेडी, इसके टैपेट शिम्स सब हिल चुके हैं, सब खटखट खटखट कर रहा है, नए वाले में एटलीस्ट इतना जल्दी नहीं ख़राब होगा, होगा ऑफकोर्स यार गाड़ी का वेयर एंड टेयर तो होने ही वाला है, बट वही है जिस हद तक इसका हुआ है ना उस हद तक नहीं होगा ख़राब उसमें नए वाले में।